बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं 4 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2। इसमें हमें उसने कुछ डेटा दे दिया है, कहते हैं स्कूल विशेज टू एस्टिमेट, एक स्कूल है वो विश कर रहा है इस बात की कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट जो है वो 6 क्लास के उनका एवरेज वेट निकालें। इसी सिलसिले में उसने सैम्पल लिया है एन इज इक्वल टू 25 का, ठीक है, 25 का सैंपल से लिया। 25 के सैंपल में वो कहते हैं कि ये सैंपल का जो मीन है वो ये है 100 pounds, ठीक है। और साथ ये देखें, एक बात ऐसी है जो आपने गौर से देखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, सैंपल की बात नहीं की गई। 15 pounds है, ठीक है। जब सैंपल की बात करें तो ये बेस्ट एस्टिमेटर होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन की बात की, उसने कहा कंस्ट्रक्टिव, फिर कहते हैं कंप्यूटर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम लिखे कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ लिखे कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसने कहा 90%, 1 - α = 0.9, 0.1 में से अल्फा माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा जी ये 0.1, अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 0.05, ठीक है। 1 में से अल्फा को 2 माइनस कर देंगे, ये भी 1 में से कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 95, 1 - α/2 ये आ गया 95, ठीक है, 95 तो आ गया। नेक्स्ट हमने करना है जी को कैलकुलेट करते हैं, या फिर किस तरह से करना है कि द टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 - α/2 इज इक्वल टू जी, 1 - α/2 आंसर आया था हमारे पास 0.95। अब देखना है 0.95 की रो में इनवर्स वाले टेबल में 0.000 के कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी 1.6449। हमें 3 डिजिट तक ही रखनी है, यह आ जाएगी 1.645। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने 3 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करके ही लिखने हैं। फिर लिखेंगे 90% टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज दिस, ये है, ठीक है। अब इसको पॉइंट करने के लिए मैं शॉर्टकट वाला फार्मूला यूज करूँगा। आपने थर्ड के ए पार्ट में 2 फार्मूला ही देख लिए थे, उनमें से मैं सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ। 1 - जाएगा आपके पास 1 - α/2 सिग्मा ओवर एन स्केयर रूट, ठीक है। एक्स बार हमारे पास है 100 प्लस माइनस जी की वैल्यू ये वाली 1.645, ठीक है। और ये फिक्स करना किस तरह करेंगे आप लोग, ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले क्वेश्चन करते हुए थर्ड के बी पार्ट में, कि आपने 3 डिजिट तक फिक्स किस तरह करना है। बी या ए पार्ट में मैंने दोनों में से किसी एक में बताया था, आप वो वीडियोस लाजमी देख लें, मैंने दोनों कैलकुलेटर्स यूज़ करके बताया था, ठीक है जी। बिल्कुल, मैंने 3 के ए पार्ट में बताया है किस तरह कैलकुलेटर से फिक्स करना है, आप वो क्वेश्चन लाजमी देख लें। यह सिग्मा हमारे पास था ये वाला 15 pounds डिवाइड बाई कैपिटल, सॉरी ये स्मॉल एन स्केयर रूट, स्मॉल एन है 25। ये अपने पहले एक मरतबा माइनस करना है, दूसरी मरतबा प्लस करना है, और लोअर एंड अपर लिमिट कुछ इस तरह से लिखनी है आपने। लोअर लिमिट इधर होगी, अपर इधर होगी, ये मैं करता हूँ पॉज करके, आप भी साथ साथ कर लें। आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा सर, मैंने कैलकुलेट कर लिया है,
ठीक है, लो लिमिट है ये इधर लिखनी 95.067। ये टेक्निकल चीज़ जो बता रहा हूँ, ये लेफ्ट राइट एरो आपने प्रेस करना है, ठीक है। ये कर्सर आ जाएगा आपके पास, कर्सर को ले आना माइनस पर, यहाँ से प्रेस कर देनी है आपने प्लस, प्लस कर दें फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगी दूसरी लिमिट। दूसरी मरतबा आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये किसकी बदौलत, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बदौलत आपको दूसरी मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब आपने पहले ही कर दिया होगा, कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।